आप उतने ही युवा हैं जितनी आपकी रीढ़ लचीली है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी 30 की उम्र में सख्त है तो आप बूढ़े हैं। अगर 60 की उम्र में यह लचीली है तो फिर आप जवान हैं। दुनिया में हर चीज के एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसा ही हमारा शरीर भी है। चुनौती यह है कि हम इस एक्सपायरी डेट की तारीख को कितना और आगे बढ़ा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सहायता, गति, सुरक्षा, समन्वय और नियंत्रण प्रदान करती है। रीढ़ की हड्डी हमारे सिर, कंधे और शरीर के ढांचे को सहारा प्रदान करती है। यह रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है और यह माना जाता है कि यह मस्तिष्क का ही एक भाग है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं इस मेरुदंड पर भी फैली हुई होती हैं। इसका मतलब यह है कि यह आपकी रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य, लचीलापन और कोमलता और जीवंतता यह निर्धारित करती है कि आप कितना बूढ़ा महसूस करते हैं। हमारी रीढ़ हमारे शरीर की केंद्र रेखा है। इसे स्वस्थ और लचीला बनाए रखने से आपको बैठने, खड़े होने, झुकने आदि के दौरान आराम से सही मुद्रा बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र का केंद्र है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने, समझने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। बिना रीढ़ की हड्डी के सामान्य हुए आप ज़्यादातर उन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो आप बतौर एक इंसान कर सकते हैं। यह इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप वह काम भी कर सकें जिसे करने की संभावनाओं के बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक योगी के लिए अपने मेरुदंड को अच्छी तरह से रखना, मजबूत और संवेदनशील बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड को अपने ही अंश के रूप में महसूस कराना चाहता है। अपनी दिनचर्या में योग अभ्यास को शामिल करना, जो आपको इन गतिविधियों के माध्यम से ले जाएगा, आपको बेहतर, संतुलित और अपेक्षाकृत दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। इसके लिए समय निकालें। आज हम आपको विपरीत मेरुदंडासन योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। विपरीत मेरुदंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर दरी, कंबल या योगा मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अब हाथ को इस तरह से तानासन की स्थिति में ले जाएं और श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ताने, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को इस तरह से घुटनों को मोड़ते हुए एक दिशा में ले जाएं। अब श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर तानते जाएं और गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ते हुए दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाकर किसी बिंदु या आकाश की ओर देखें। कुछ देर इस स्थिति में श्वास को रोके हुए रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर इसी क्रिया को दूसरी तरफ भी करें। दोनों ओर कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहाँ रखें। विपरीत मेरुदंडासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। विपरीत मेरुदंडासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन और इस आसन के कई स्वास्थ्य वर्धक लाभ मिलते हैं। शरीर में लचीलापन बढ़ाने और रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने में बेहद सहायक आसन है। श्वास संबंधी बीमारियों, शरीर में प्राणवायु का संचारण ठीक करने के साथ यह मेरुदंड को लचीला बनाता है। अपने मेरुदंड को संवेदनशील, लचीला, संतुलित, गतिशील और पूरे सीध में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप जो भी योग करते हैं उसका मकसद काफी कुछ यही होता है। इस योग का जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि तुरंत ही आपको नई ताजगी या स्फूर्ति मिल गई है। अतः किसी भी प्रकार की जकड़न और थकान को दूर करने में यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। शरीर की चर्बी को तेजी से कम करने में बेहद मददगार आसन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से मोटापा दूर होता है और पाचन तंत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। मधुमेह रोग को दूर करने में भी लाभदायक सिद्ध होता है। सभी दोष दूर होकर अभ्यासी में नव यौवन आता है। कब्ज की समस्या दूर होती है, कमर दर्द में आराम मिलता है। यह योग मुद्रा, पीठ, कूल्हे और जांघों को शक्ति प्रदान कर सकता है और रक्त संचरण को भी सुधारता है। इससे आंतों को बल मिलता है और वे अच्छे से काम करती हैं।
यह वजन घटाने के साथ साथ शरीर की सहन शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। विपरीत मेरुदंडासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जहां विपरीत का अर्थ उल्टी दिशा से है तथा मेरुदंड से अभिप्राय रीढ़ की हड्डी से है और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में रीढ़ की हड्डी को विपरीत दिशा में मोड़ा जाता है, इसलिए इसे विपरीत मेरुदंडासन कहते हैं। शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये हमारे शरीर से संबंधित तो हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते। इन सारे चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे शरीर को जीवन शक्ति देती है। विपरीत मेरुदंडासन से अनाहत चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। विपरीत मेरुदंडासन के अभ्यास से अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित तथा सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट हो या कोई गंभीर बीमारी हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। उच्च ज्वर की अवस्था हो, शरीर में दुर्बलता हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। विपरीत मेरुदंडासन करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में करें। तो यह था विपरीत मेरुदंडासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।